साथ ही छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सत्र 2023-24 के लिए सभी संकुलों स्कूलों के साथ साथ बीआरसी और जिला के लिए भी अनुदान का आवंटन जारी कर दिया गया है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको संकुलों को सत्र 2023-24 के लिए कितना राशि कौन कौन से मद में दिया गया है उसका आदेश के साथ मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बताने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के द्वारा सभी संकुलों को मदवार आवंटन का राशि को आवंटित किया जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सत्र 2023-24 के लिए संकुलों को जो पहला मद मिला हुआ है वो है मेंटेनेंस ग्रांट। इसमें सभी संकुलों को 15,000 रुपया दिया गया है जिसमें संकुल भवन का रख रखाव और संकुलों का रख रखाव के संबंध में इस राशि को व्यय करना है। इसी प्रकार से दूसरा मद मिला हुआ है मोबाइल ग्रांट सपोर्ट। इस मद में सभी संकुलों को 1,000 रुपया दिया गया है जिसमें संकुल भवन में संकुल के विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कार्य को करने के लिए और सभी शिक्षकों के बीच में तालमेल बनाने के लिए नवाचार करने के लिए इस मद का उपयोग किया जाना है। तीसरा मद है मीटिंग टीए ग्रांट। इस ग्रांट के अंतर्गत इस मद के अंतर्गत सभी संकुलों को 10,000 रुपए दिया गया है। इस राशि का उपयोग विभिन्न प्रकार के मीटिंग में आने जाने के लिए खर्च करना है। इसी प्रकार से चौथा मद है कंटीजेंसी ग्रांट। इस ग्रांट के अंतर्गत सभी संकुलों को 30,000 रुपया दिया गया है। इस ग्रांट का उपयोग संकुल में विभिन्न प्रकार का आकस्मिक मद में व्यय करने के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से सत्र 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी संकुलों को कुल 56,000 रुपए दिए गए हैं। तो इसके संबंध में राज्य शासन के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है और इसी के आधार पर सत्र 2023-24 के लिए सभी संकुलों को मदवार व्यय करने होंगे। तो जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।